अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्लह व मन युज़लिलहु फला हादियलह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीकलह ونشهد أن محمدًا ابن عبد الله العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض إنسان کو چاہیے कि वो ध्यान दे कि आखिर आसमानों और ज़मीन को पैदा किसने किया। वानज़ललकुम मिनस्समाई माअ, आखिर वो कौन है जो मखलूक के लिए आसमान से बारिश बरसाता है। फअंबतना बिही हदाइक़ा ज़ात बहजा, वो कौन है जो ज़मीन से नबातात को उगाता है। माकाना लकुम अन तुंबितू शजरहा, अगर इंसान गौर करे तो उसे अपनी हैसियत मालूम होगी कि इंसान की ताकत तो इतनी भी नहीं कि इंसान दरख की एक कुंपल भी निकाल सके। इलाहुम्मा अल्लाह बलहुम कौमुन यादिलून, क्या अब भी इंसान को लगता है कि उसका या किसी और का इसमें कोई रोल है। इसके बावजूद इंसान उस मालिक के बराबर दूसरों को ठहराता है और भूल जाता है कि अगर इन सब पर किसी एक के अलावा दूसरे का भी कंट्रोल होता कि बारिश कोई और बरसाए और नबातात कोई और उगाए तो कायनात का निज़ाम इतनी आसानी से कभी चल सकता। अम्मन जाल अल अर्ज करारा, सोचे इंसान कि आखिर किसने तेज़ी से घूमती ज़मीन को करार अता किया। वजा अला खिलाल हा अनहारा, आखिर किसने इस ज़मीन में नदियों का जाल बिछा दिया। वजा अला लहा रवासिया, और वो कौन है जिसने तवाजुन और बैलेंस की खातिर ज़मीन में पहाड़ों को गाड़ दिया। वजह अला बैनल बहरैन हाजिज़ा, और भला वो कौन है जो खारे और मीठे पानी को मिलने से रोके हुए है। इलाहुम्मा अल्लाह बल अक्सरहुम ला यालमून, तो उसकी अकल जवाब देगी कि ये सब करने वाला एक अकेला पावर ही है, लेकिन शर्त है कि इंसान में चीज़ों के जानने की ख्वाहिश पैदा हो। अम्मा युजीबुल मुस्तर इज़ा दआहू, गौर करे इंसान कि आखिर वो कौन है जो बेचैन दिलों की फरियाद को सुनता है। वयक्षिफुस्सू, कौन है जो बुरे हालात को अच्छे हालात में बदलता है। वयजअलुकुम खुलफाल अर्थ, और ज़मीन का चार्ज देता कौन है। अइलाहुम्मा अल्लाह कलीलम्मा तज़क्करून, क्या इंसान को लगता नहीं कि एक के अलावा ज़्यादा होते तो हर कोई अपनी चलाने लगता और कायनात का निज़ाम ही बिगड़ जाता। इसके बरखिलाफ़ ये निज़ाम एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम के तहत काम कर रहा है। तो क्या इंसान ख़ुद भी अपने आप में परफेक्शन लाने को तैयार है। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्र वल बहर, इंसान सोचता नहीं कि आखिर वो कौन है जो उसे खुश्की और समंदर के अंधेरों में आगे बढ़ने और अपना सफ़र तय करने के लिए रास्ते सुझाता है। वमन युरसिलु रिया बुशरम बैन यदै रहमतिही, बारिश के पहले हवाओं को खुशखबरी देकर भेजता कौन है। अइलाहुम्मा अल्लाह तआलल्लाहु अम्मा युशरिकून, क्या ये सब एक इत्तेफाक है, क्या इसके पीछे किसी की प्लानिंग नहीं दिखाई देती। क्या अब भी इंसान शिर्क करने की हिम्मत कर सकता है जबकि उसके आसपास की कोई भी मखलूक शिर्क करती नहीं है। फिर आखिर क्या वजह है कि इतना समझदार इंसान इस रोग में पड़ा हुआ है। अम्मन यब्दौल खल्क सुम्मा युईदुहु, क्या इंसान ध्यान नहीं देता कि वो कौन है जो हर चीज़ को नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लाता है, और कौन उसे रिपीटिंग सिस्टम पर डाले हुए है। वमन यरज़ुकुकुम मिनस्समाई वल अर्ज़, और इंसानों के लिए रिस्क का इंतज़ाम करता कौन है। अइलाहुम्मा अल्लाह कुलहातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अब भी इंसान सोचता है कि फलां की वजह से ये सब हो रहा है तो उसे अपनी बात को साबित करने के लिए कोई दलील और प्रूफ पेश करना चाहिए, या फिर
उस मालिक की दलील को कबूल करना चाहिए जिसकी दलील उस मालिक ने दी हवाओं के चलने और उनके रुख बदलने में, धूप के निकलने और बदलियों के छाने में, पौधों के परवान चढ़ने और फूलों के खिलने में, परिंदों के फिजाओं में उड़ने और मछलियों के तैरने में, ज़मीन के अंदर से मादनियात के निकलने और समंदर की गहराई से प्रीशियस स्टोन्स के मिलने में, ज़मीन से निकलने वाले सब्ज़े और जानवरों की मुख्तलिफ स्पेसीज में। वतिल्का हुज्जतुना आतैना है इब्राहीम अला कौमिही, और यही वो दलील थी जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी अकली दलील से पाया था। उनका कन्विक्शन था, फेथ अकीदा या आस्था ना था। उनके कन्विक्शन पर अल्लाह ताला की तरफ से उनके ईमान में इतनी मजबूती आई कि इज़काल लहू रब्बहू अस्लिम, जब उनसे उनके रब ने सबमिट होने को कहा तो उनका जवाब ये था कि काल असलम तो ले रब्बिल आलमीन, मैं सबमिट करता हूँ अपने आप को उसके सामने जिसके सामने हर कोई सबमिटेड है, जो हर एक का पालनहार और सस्टेनर है, वो जो अपने कमाल में बेजोड़ है, वो हर काल पर फैला हुआ है, वो हमेशा जिंदा, उसे मौत नहीं, उसे जवाल नहीं, उसे नींद नहीं, उसे थकन नहीं, उसने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया, उसका कोई पिता नहीं, उसे किसी ने देखा नहीं और देख भी कैसे सके, वो तो नज़रों के फोकस से कहीं आगे, मखलूक की बसारतें महदूद लेकिन खालिक की ज़ात लामहदूद। किसी भी नाम से उसे पुकारो, अल्लाह कहो या रहमान, खुदा कहो या गॉड, ईश्वर कहो या परमेश्वर, अकाल कहो या परमात्मा, सारी अच्छी सिफात और बेस्ट क्वालिटीज़ उसी की हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इसी पैटर्न को अपनाने की ताकीद की हमें हमारे मालिक ने, पर यह हमारी बदकिस्मती रही, या ये कह लीजिए कि पैदाइशी दीन ने हमें अकल इस्तेमाल करने से रोक दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अकीदों और आस्था का चक्कर चल गया और दीन बेअकली बातों का बनकर रह गया। और ये होना ही था, क्योंकि रब ने फरमाया है वमन यरगब अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सहु, इब्राहीम की मिल्लत और तरीके से तो वही मुंह मोड़ सकता है जिसको खुद कम इल्मी, नादानी और बेवकूफ़ी में रखना हो। और अगर हम कुरान करीम में आए हज़रत इब्राहीम के वाक़ियात पर गौर करें तो हमें उनकी एक अहम सुन्नत ये मिलेगी कि अपने पैदाइशी दीन को चेक करना, अकल और लॉजिक पर हर चीज़ को परखना, चूँकि वो बरसों से होता चला आ रहा है, लाखों लोग कर रहे हैं, तो वो सही हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। आज हम जिस ख़ानदान और समाज में पैदा हुए उसी को सही समझकर उसको अपनी पहचान हमने बना ली, क्या कभी हमने इसको चेक करने की कोशिश की? क्या हमने अपने ख़ानदानी रस्म व रिवाज की हकीकत को जानना चाहा? या हमारी भी सोच यही रही, इन्ना वजदना आबा अना अला उम्मा व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, हमने अपने बड़ों को जिस तरीके पर पाया उसी पर हम भी चलेंगे और उनके तरीके पर चलकर ही हम हिदायत पर रह सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमसे सवाल किया, अवलौ काना आबाहुम ला याकिलूना शैयं वला यहतदून, क्या अगर इनके बड़ों ने ना तो अपनी अकल इस्तेमाल की और ना वो हिदायत पर थे तब भी क्या ये उन्हीं के पीछे चलेंगे? लिहाजा हमें चाहिए कि अपने बड़ों के तरीके और ख़ानदानी रस्म व रिवाज को अकली दलाइल पर चेक करें, अकल में आता है तो माने वरना नहीं। अगर हमारे बड़े गलत हों फिर भी हम उन पर आंख बंद करके अमल करेंगे तो रब के यहाँ सज़ा के मुस्तहिक बनेंगे, और अगर हमारे बड़े सही हों और हम उनके तरीके पर चलकर अपना सुधार ना करें तो भी हम सज़ा के हकदार बनेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे अमल के ज़िम्मेदार हैं। हमारे सुधार के लिए मिसाल हमारे सामने है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने अपने वालिद के दीन को चेक किया और उसे गैर अकली पाया और उसे छोड़ा तो अल्लाह ने उन्हें अपना खलील बना दिया। वहीं दूसरी तरफ हज़रत नूह के बेटे ने अपने वालिद के तरीके पर अमल ना किया तो वो रब की सज़ा का मुस्तहिक हुआ। इसी तरह एक तरफ फिरौन की बीवी है जिसने अपने शौहर के तरीके को नहीं अपनाया तो ईमान वालों के लिए मिसाल बन गई और जन्नत में रब के करीब जगह पाने वाली हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ नबी की सरपरस्ती और निकाह में रहते हुए भी
अपने शौहर के मिशन में मददगार ना बनकर हजरत नूह की बीवी और हजरत लूत की बीवी जहन्नम में जाने वालों में हो गई। हम देखते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी अकली दलील पर अपने वालिद और अपनी कौम से बात की तो लोग भी सोचने पर मजबूर हुए और उन्होंने हजरत इब्राहिम से पूछा, अजेतना बिल हक अम अंत मिनल लाइबीन, इब्राहिम क्या तू अपनी बात को लेकर सीरियस है या बस ऐसे ही दिल लगी कर रहा है? तो हजरत इब्राहिम ने उन्हें उनके रब का तारुफ देते हुए कहा, यह दीवानगी और दिल लगी नहीं है बल्कि ठोस हकीकत और अटल सच्चाई है। वह आना आला जालकुम मिनश शाहिदीन, और मैं इस पर तुम्हें अकली दलील और लॉजिकल एविडेंसेस भी दे सकता हूँ। फला उकसिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून, हजरत इब्राहिम ने सबूत के तौर पर उन चीज़ों को पेश किया जिनसे इंसान का रोज़ाना का वास्ता पड़ता है, जिन्हें इंसान अपनी आँखों से देखता है, और उन चीज़ों को भी पेश किया जिन्हें इंसान देख तो नहीं सकता पर इंसान उसे जानता ज़रूर है। इससे होता ही है कि इंसान के दिल को ये बातें अपील करती हैं, लेकिन अगर इंसान में हक की प्यास ना हो तो इंसान का मामला ये होता है कि सुम्मा नुकिसु अला रुउसिहिम, वो अपने दिल में आने वाले जवाब को झटक देता है और इस तरह फिर वापस अपनी पहली हालत में आ जाता है, और उसका मामला ये होता है कि वजहदु बिहा वस्तैकना था अनफुसुहुम जुल्मा व उलुवा, अपनी जालिमाना बड़प्पन और ईगोइस्टिक वाली सोच में यकीन आने के बावजूद उसका जानबूझकर इनकार कर जाता है। और इसकी मिसाल भी हमें हजरत इब्राहिम के इस वाक्य में मिल जाएगी कि एक ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत अथॉरिटी और पावर्स दिए थे, उसको जब हजरत इब्राहिम ने रब्बे कायनात का तारुफ इंतहाई आसान और सादे अल्फाज में दिया कि रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में हर एक की ज़िंदगी और मौत है, बजाय इसके कि वो इस बात को मानता उसने अपने जोम में अपने तकब्बुर में जवाब दिया कि अना उही व उम्मीद, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर हजरत इब्राहिम ने उससे कहा, फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्स मिनल मशरिक फ़अति बिहा मिनल मगरिब, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है लिहाजा तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। फबोहतल्लज़ी कफर, इससे वह शख्स मबहूत और स्पेल बाउंड तो रह गया पर उसे हिदायत नहीं मिली। इससे एक सबक हमें यह भी मिलता है कि अकल का इस्तेमाल इंसान ज़रूर करे, लेकिन उसमें मकसद ये रहे कि अल्लाह बात समझ नहीं आ रही है, आप समझा दीजिए। वरना अगर सिर्फ अकली और इल्मी बहस करना मकसद हो और अपना बड़प्पन दिखाना हो तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अफर आयत मन इत्तखज़ इलाहु हवा व अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्म व खतम अला समिही व कल्बिही व जअला अला बसरिही गिशावा वमन यहदीही मिन बादिल्लाह अफला तज़क्करून, क्या तुमने उस शख्स पर ध्यान दिया जो अपने ईगो में जीते हुए खुद को ही खुदा समझने लगता है? ऐसे शख्स को अल्लाह ताला इल्म होने के बावजूद गुमराही से नहीं निकालता और उसके सोचने समझने की सलाहियत पर अल्लाह की तरफ से मोहर लग जाती है और वो अपनी खुदसरी के पर्दे में चीज़ें को सामने होते हुए भी उनको देख नहीं पाता। अब ऐसे शख्स को हिदायत दे कौन सकता है? तो क्या तुम्हारा इरादा सुधरने का है? अगर हमारा इरादा अपने आप के सुधार का हो और हमें हमारे रब की हिदायत की चाहत हो तो हम अपने मालिक की किताब हिदायत की तरफ आएं इस यकीन के साथ कि ज़ालिकल किताबुल आरई वफी, अगर हिदायत कहीं से मिल सकती है तो अल्लाह की किताब से ही मिल सकती है। और इस किताब को पढ़ते वक्त हमें चाहिए कि हम अपनी अक्ल का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे रब ने फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून, हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में इसलिए नाजिल फरमाया है कि तुम अपनी अकल का भरपूर इस्तेमाल करो, इसलिए कि वलकद जिनाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्म, हम इंसानों के पास एक ऐसी किताब लाए हैं जिसकी तफसील हमने इल्म की बुनियाद पर रखी है, और अगर कोई इंसान इल्मी दलील पर इस किताब को खुद की हिदायत के लिए पढ़े तो इस किताब को नाजिल फरमाने वाला खुद कह रहा है, वतम्मत कलिमतु रब्बिक सिदकं व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम, तेरे रब की बातें
सच्चाई और अदल इंसाफ के हर पैमाने और क्राइटेरिया पर खरी उतरेंगी। ना तो उस रब की बातें वक्त और हालात के तहत बदला करती है, ना ही उसकी बातों का कोई नेमल बदल और सब्स्टिट्यूट हो सकता है। यकीनन वही सब कुछ सुन भी रहा है और उसे हर चीज़ का इल्म भी है। और अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा कि अपने रूहानी वालिद की इत्तेबा करते हुए दावत अकल और लॉजिक पर दी जाए। यही वजह है कि आखिरी नबी का दावत का अंदाज़ हमें अल्लाह की किताब में मिलता है, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना वमनित्तबानी। आप कहिए अल्लाह की तरफ दावत देने का मेरा तरीका भी वही तरीका है जो मेरे वालिद हज़रत इब्राहिम का था। मैं तुम्हें खुले दलाइल और भरपूर विजन के साथ से दावत दे रहा हूँ, जिसमें गैर अकली कोई बात नहीं, ना ही कोई गैर साइंसी और गैर अखलाकी बात है। और जो मेरी इत्तेबा का दावा करता है उसे भी यही तरीका अपनाना ज़रूरी है। अब हम में से जो कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करने का दावा करता है, उसे चाहिए कि वो कम से कम अपनी खुद की हिदायत के लिए नबी करीम की सबसे अहम सुन्नत यतलु अलैहिम आयातिही को अपनाते हुए इस किताब को पढ़े और समझने की कोशिश करे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो अल्लाह ताला ने अपनी किताब को समझने के लिए इतनी आसानियाँ कर दी हैं कि आज आपको क्लासेस तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्लास खुद आपके घर तक अल्लाह ने पहुंचा दी है। आप घर बैठे भी इसको ऑनलाइन सीख सकते हैं। अलग अलग लोग फजर बाद से लेट नाइट तक मुख्तलिफ अवकात और टाइमिंग्स में क्लासेस ले रहे हैं। जिसको जो वक्त मुनासिब लगे उस वक्त की क्लासेस लगा लें। किसी किसी को लगता है कि अब इतनी उम्र में हम क्या सीखें, इसलिए अपने बच्चों को सिखा देते हैं। बच्चों को सिखाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को सिखाकर हम छूट नहीं सकेंगे, क्योंकि कुल्लो नफसिम बिमा कसबत रही ना, हमारी गिरवी हमें ही छुड़ानी है। ना हमारे बच्चे छुड़ा पाएंगे, ना हमारे माँ बाप छुड़ा पाएंगे। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा, अपने आमाल के हम खुद ही जिम्मेदार होंगे। अल्लाह इस एतराफ़ के साथ आपकी किताब की तरफ आते हैं कि सुबहानक ला इल्म लना। अल्लाह आपकी सुबहान ग्लोरी है, हमें कुछ भी इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो इतना ही इल्म है जितना आप हमें दें। रब्बिश्रह ली सदरी, मेरे रब अपनी किताब के ज़रिए मेरे कल्ब व ज़हन को खोल देकर उसे उसत दीजिए। वयस्सिर ली अमरी, मेरे कुरानी सफ़र को मेरे लिए आसान करते रहिए और मुश्किलात से मेरी हिफाजत करते रहिए। रब्बे ज़िदनी इल्मा, मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा करते रहिए। एहदनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे अपनी किताब से आपके सीधे रास्ते की हिदायत देते रहिए। सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, ताकि मैं आपके सीधे रास्ते पर चलकर अपने आप को उन लोगों में शामिल कर सकूं जिन्हें आपने इनाम देने का फ़ैसला किया है। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। और मेरा शुमार उनमें मत कीजिए जो आपके गज़ब के मुस्तहिक हुए, क्योंकि उन्होंने हिदायत के रास्ते को छोड़कर गुमराही के रास्ते पर ख़ुद को डाल लिया। बारकल्लाहु लना वलकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ाना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादहु। अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबियिल उम्मी अल्लज़ी जाअ बिल हुदा वल फुरकान, व सल्ली अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم إنك أنت السميع المستجيب الدعوات ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون